अमित शाह तुरानी, रवि कामाय मनिकामा, विवेक वाट है सेकंड है पूरी एक्सरसाइज को ही हम शांत किए थे, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अमित ऑस्कर वाज है। अब यहाँ देखिए वाज के बाद ऐसा क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वाज जो है ये नाम इंडिकेशन करके से आया हुआ वाज है, हैपन देयर, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस नाइन द लिटिल बॉय सेड टू द बस कंडक्टर राहुल चैतुरी वाई डी टू बी टेस्ट कर रहे हैं, क्या बनाएंगे राहुल आस्क मी बाय यू को मी के साथ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आए, और ये पहले पास परफेक्ट चेंज टू पास सॉरी पास इन दी चेंज टू पास परफेक्ट तो क्या हो जाएगा भाई आए है yesterday का the previous day, ये आपके 10 sentences थे वो हमने साल कर दिए।
कल जो है हम इंपरेटिव सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको आदेशात्मक पद कहते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश ही नहीं प्रकट होता है, कभी सलाह प्रकट होती है, प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट भी की जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम किन नियमों का पालन करते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं, ये कल हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, हमने कहा गो देयर। ये हम बात बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं, कौन से नियमों का वो हम फॉलो करते हैं। पहले समझना जरूरी है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं, हम उनको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा हुआ होता है। कैसा होता है? छिपा, हिडन होता है। क्या होता है? छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। ऐसे हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सिट डाउन, इट मीन्स यू सिट डाउन। यू उसमें बोला नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन यू जो है जो सब्जेक्ट है वो हिडन हुआ। और दूसरे तरीके से जो हम लिखते हैं वो लेट से शुरू होने वाले हैं, लेट मी गो, लेट मी पार्ट, मुझे जाने। तो लेट से शुरू होने वाले बात ये भी बड़े तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। आई जैसे नॉमिनेटिव केस है और नी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो माई और माई ये पजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, पसंद सुनिए। तो हमेशा लेट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं सेंटेंसेज आपको मिलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, इनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन नियमों का हम कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है।